कोरोना वायरस का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। पूरी दुनिया इस वायरस के प्रकोप से बचने के लिए जतन कर रही है। भारत में इस वायरस के फैलाव को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस वायरस को महामारी बनने से रोकने के लिए जरूरी है कि जहां तक संभव हो घर के अंदर रहा जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को देश में जनता कर्फ्यू का अभियान चलाने की अपील की है। बिहार में इस अपील पर भी सियासत तेज हो गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए 22 मार्च का जनता कर्फ्यू का ऐलान कर चुके हैं। इस ऐलान को लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस जरूरी ऐलान में भी राजद नेताओं को नौटंकी दिख रही है। राजद की इस बयानबाजी पर जहां भाजपा ने उसे आड़े हाथों लिया, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को केंद्र व राज्य सरकार को मिलकर लड़ना है। राजद के नेता सुबोध राय ने प्रधानमंत्री मोदी के जनता कर्फ्यू के ऐलान को नौटंकी कहा है। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया आज चांद पर जा रही है, वहीं लोगों को थाली पीटने को कहा जा रहा है। ये एक इवेंट के अलावा कुछ नहीं है, देश की खराब होती अर्थव्यवस्था को छिपाने का एक प्रयास है। राजद के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है और राजद को राजनीति का कोरोना करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा सार्थक फैसला लिया है, जिससे कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। ऐसे वक्त में राजद का ये बयान बेहद शर्मनाक है। जदयू ने भी राजद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सुधरने वाली पार्टी नहीं है। ऐसे समय में ऐसा बयान देना बेहद शर्मनाक है। राजद के एक और वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने भी 22 मार्च के पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान को नौटंकी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सब बेवजह किया जा रहा है और बस नौटंकी है, इससे कोरोना ठीक नहीं होगा। वहीं पार्टी के विधायक भोला यादव ने भी इसे अघोषित आपातकाल कहते हुए विरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी जंग की रणनीति पर विमर्श किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम ने सुझाव मांगा कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में और किस तरह के काम होने चाहिए। ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना के हमले से निपटने के लिए एकजुटता दिखा रहा है, वहीं कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें इस नाजुक समय में भी राजनीति सूझ रही है। कोरोना वायरस किसी का धर्म, जाति, देश, राज्य या पार्टी पूछकर संक्रमित नहीं कर रहा है, लेकिन देश में कुछ राजनेता ऐसे हैं जिन्हें इस खतरनाक वायरस में भी राजनीति दिख रही है। 22 मार्च प्रधानमंत्री द्वारा बुलाए गए जनता कर्फ्यू में बिहार के लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेताओं को नाटक दिख रहा है, या कहें कि ये नेता अपने दिमागी दिवालियापन को दिखा रहे हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।